हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अमेरिकन इरोटिक मूवी को, जिसे 2015 में रिलीज किया गया है, जिसका नाम है नॉक नॉक, जिसे डायरेक्ट किया था एली रोथ ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 4.9 आउट ऑफ 10 स्टार। इस मूवी में दो लड़कियां एक शादीशुदा आदमी के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होती हैं और कैसे उस आदमी की ज़िंदगी बर्बाद करती हैं, यह हमें मूवी में पता चलेगा। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक मैरिड कपल को देखते हैं, जिसमें हस्बैंड का नाम इवान और वाइफ का नाम कैरन होता है। इवान एक आर्किटेक्ट होता है और कैरन एक स्कल्पचर आर्टिस्ट। इनके दो बच्चे भी होते हैं और फादर्स डे होने की वजह से उनके बच्चे इवान के लिए केक लेकर आते हैं और फिर पूरी फैमिली फादर्स डे मनाती है। फिर इसी दौरान कैरन का असिस्टेंट लुइस आ जाता है, क्योंकि कैरन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कल्पचर पर काम कर रही होती है। उसे जल्दी ही इस स्कल्पचर को कंप्लीट करके उसे आर्ट गैलरी में मूव करना है, जिसकी जिम्मेदारी वो लुइस को देती है। फिर पूरी फैमिली का ट्रिप पर जाने का प्लान है, लेकिन इवान को आज बहुत सारा काम है और उसकी अपॉइंटमेंट उसके फिजियोथेरेपिस्ट के साथ भी होती है, क्योंकि उसके शोल्डर में इंजरी आ गई थी और इसीलिए वो इस ट्रिप पर नहीं जा सकता। फिर कैरन अपने बच्चों के साथ उस ट्रिप पर निकल जाती है, लेकिन इवान घर पर ही रहता है। फिर वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है और काम करते करते बहुत रात हो जाती है और बाहर बारिश भी हो रही होती है। फिर उसी टाइम कोई उसके घर का डोर नॉक नॉक करता है। जब वो डोर ओपन करता है, तब वो देखता है कि बाहर दो लड़कियां हैं, जिनका नाम बेल और जेनेसिस होता है। वो लड़कियां इवान से कहती हैं कि हम दोनों पार्टी में जा रहे थे, लेकिन हम रास्ता भूल गए और बाहर बारिश होने की वजह से हमारे फ़ोन भी काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए इवान उन दोनों लड़कियों को घर के अंदर आने के लिए कहता है और उन्हें अपना आईपैड भी देता है, जिससे वो अपने पार्टी वाले एड्रेस को पता कर सकें। फिर उन्हें पता चलता है कि पार्टी वाली लोकेशन बहुत दूर है। फिर इवान उन दोनों के लिए कैब बुक करता है, जो कि 45 मिनट्स में आने वाली होती है। फिर वो लड़कियां फ्रेश होने के लिए इवान का बाथरूम यूज़ करती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भीग गई होती हैं। फिर इवान उन दोनों के लिए कॉफ़ी बनाता है और फिर तीनों बैठकर बात करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेल और जेनेसिस उसके घर में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हैं और बातों ही बातों में वो दोनों इवान को सेड्यूस करने लगते हैं। फिर इवान काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है और वहाँ से उठकर दूर बैठ जाता है। फिर वो अपना फ़ोन चेक करता है और उन्हें बताता है कि अभी भी कैब आने में 20 मिनट बाकी हैं। इसके बाद दोनों लड़कियां कहती हैं, हम दोनों एयर हॉस्टेस हैं और हमें ट्रैवल करना बहुत पसंद है। इसके बाद जेनेसिस और बेल उसकी वाइफ के बारे में पूछती हैं। फिर वो उन्हें उसका स्कल्पचर भी दिखाता है। जब वो उन दोनों से बात कर रहा होता है, तब वो लड़कियां उससे चिपकने की कोशिश करती हैं, लेकिन इवान बार बार दोनों को इग्नोर करता है और कैब के आने का वेट करता है। फिर हम देखते हैं कैब आने में सिर्फ 5 मिनट बाकी होते हैं। फिर जेनेसिस और बेल दोनों बाथरूम के अंदर चली जाती हैं और कैब भी वहाँ पर आ जाती है। इवान उन दोनों के कपड़े लेकर बाथरूम के बाहर खड़ा होता है और उनसे कहता है कि कैब आ चुकी है, इसलिए तुम दोनों जल्दी करो। लेकिन काफ़ी देर तक कोई रिस्पांस ना मिलने पर इवान उसके बाथरूम के अंदर चला जाता है। वहाँ पर जेनेसिस और बेल दोनों न्यूड होकर नहा रहे होते हैं। जब वो दोनों इवान को बाथरूम के अंदर देखते हैं, तब वो उसे चिपक कर उसे सेड्यूस करने लगते हैं। पहले इवान उन दोनों को रोकता है, लेकिन कुछ देर बाद वो भी इंजॉय करने लगता है और फिर तीनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। फिर हम देखते हैं काफ़ी टाइम बाद भी किसी के बाहर ना आने पर वो कैब ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह इवान जब सोकर उठता है, तब वो देखता है लड़कियाँ वहाँ पर नहीं हैं। ये देखकर उसे लगता है वो लोग वहाँ से चली गई हैं। जब वो किचन में जाकर देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो लोग अभी यहीं पर हैं और उन्होंने पूरे किचन की हालत ख़राब कर दी है। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर उसी टाइम इवान को उसकी वाइफ का कॉल आता है। इवान बाहर जाकर अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है, तब जेनेसिस और बेल कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालने लगते हैं। तभी जल्दी से वो कॉल कट करता है और गुस्से में वहाँ आकर उन दोनों से घर से निकल जाने को कहता है। कुछ टाइम बाद वो देखता है जेनेसिस और बेल उसकी वाइफ के इम्पोर्टेंट स्कल्पचर को ख़राब कर रहे हैं और ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों से कहता है कि अगर अभी की अभी तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। उसकी बात सुनकर वो दोनों मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं, अगर तुम्हें कॉल करना है तो करो, लेकिन हम तुम्हें बता दें, हम दोनों अंडर एज हैं और अंडर एज लड़की के साथ इंटीमेट होने की क्राइम में पुलिस तुम्हें भी अरेस्ट कर सकती है। ये सुनकर इवान शॉक्ड हो जाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है इन दोनों को घर के अंदर लाकर। इसके बाद फिर से डोरबेल बजती है और इवान जाकर डोर ओपन करता है। तब वो देखता है कि उसकी वाइफ की दोस्त विवियान वहाँ पर आई है, जो ये देखने आई थी कि इवान को किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। जिसे देखकर इवान बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे डर था अगर कहीं विवियान ने उन दोनों लड़कियों को देख लिया तो वो उसकी वाइफ को सब बता देगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जेनेसिस वहाँ पर आकर इवान के साथ चिपकने लगती है। जब विवियान ये सब देखती है, तब उसे लगता है कि इवान का इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो उसे सुनाकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
फिर हम देखते हैं इवान उन दोनों लड़कियों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। फिर वो पुलिस को कॉल करने लगता है और लड़कियों को लगता है इस बार इवान पुलिस को कॉल कर ही देगा, इसलिए दोनों घर से जाने के लिए मान जाती हैं। फिर इवान जेनेसिस और बेल को लेकर एक घर के सामने छोड़ देता है और फिर वापस अपने घर पर चला आता है। पहले तो वो घर की सफाई करता है और फिर अपने काम में लग जाता है। इसी दौरान उसे घर में किसी चीज़ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखता है तो उसकी एक फैमिली फ़ोटो नीचे गिरी हुई है। जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तब जेनेसिस उसके सर पर हमला कर देती है, जिससे इवान वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब इवान की आंख खुलती है तब वो खुद को बंधा हुआ पाता है और वो जोर जोर से उसे खोलने को कहता है, लेकिन जेनेसिस उसे इग्नोर करती है और वो मेकअप कर रही होती है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद बेल उसकी बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आती है। फिर जेनेसिस और बेल दोनों इवान के कपड़े उतारने लगते हैं। इवान उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां इवान से कहती हैं कि वो उसकी वाइफ को वीडियो कॉल कर देंगी, जिसे सुनकर इवान कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर बेल इवान के ना चाहते हुए भी उसके साथ इंटीमेट होती है और जेनेसिस उसका वीडियो शूट करती है। जब जेनेसिस उस रूम से बाहर निकलती है तब इवान बेल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और अपनी रस्सियाँ खोल लेता है। फिर इवान जेनेसिस के पास जाता है, लेकिन जेनेसिस उसके इंजर्ड सोल्जर पर हमला कर देती है, जिससे इवान दर्द के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि उन्होंने उसे एक चेयर से बांध कर रखा है। फिर जेनेसिस और बेल उसे टॉर्चर करने के लिए उसके साथ एक गेम खेलती हैं। गेम के दौरान लुइस कैरेन की स्कल्पचर लेने के लिए उसके घर आ जाता है, इसलिए वो दोनों लड़कियाँ इवान को एक रूम में छुपा देती हैं और जेनेसिस दरवाज़ा खोलती है और कहती है, हम दोनों इवान की कज़िन हैं। जेनेसिस और बेल दोनों ने कैरेन की स्कल्पचर को ख़राब कर दिया था, जिसे लुइस देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो दोनों लड़कियां उसे बताती हैं कि ये काम इवान का है। इसी दौरान लुइस को इवान की आवाज़ सुनाई देती है, तब वो उस कमरे में जाता है जहां पर इवान बंधा हुआ था। इवान को बंधा देखकर वो उसकी रस्सियों को खोलने लगता है। फिर जेनेसिस और बेल दोनों उस स्कल्पचर को तोड़ने लगते हैं। जब लुइस ये सब देखता है तब उसे अस्थमा अटैक आ जाता है। उसका इन्हेलर भी जेनेसिस के पास होता है, जिससे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। वो इन्हेलर लेने के लिए जेनेसिस की तरफ आता है, फिर वहाँ पर वो फिसलकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसका सर नीचे टकराता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसे देखकर वो लड़कियाँ वहाँ पर पागलों की तरह हंसने लगती हैं। जिसे देखकर इवान समझ जाता है ये दोनों लड़कियाँ साइको हैं। इसके बाद वो दोनों लुइस की बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। फिर इवान और लुइस के फ़ोन से मैसेजेस करने लगते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि कैरेन और लुइस का अफेयर चल रहा था, और जब इसके बारे में इवान को पता चला तो उसने गुस्से में आकर लुइस को मार दिया। फिर वो इवान के गार्डन में एक गड्ढा खोदने लगती हैं, जिसके अंदर वो इवान को दफनाना चाहती हैं। घर में इवान आईपैड से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद जेनेसिस और बेल दोनों मिलकर पूरे घर को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती हैं और इवान के बाल भी काट देती हैं। फिर इवान उन दोनों लड़कियों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर वो कहती हैं, चलो हम हाइड एंड सीख खेलते हैं, और वो लोग इवान की रस्सियों को खोल देते हैं। इवान घर में छुप जाता है, लेकिन जेनेसिस उसे पकड़ लेती है और फिर इवान हेल्प के लिए चिल्लाता है तो जेनेसिस उस पर गन तानकर उसे शांत करवाती है। फिर सुबह होने पर दोनों लड़कियां इवान को दफनाने के लिए उसे गार्डन में ले जाती हैं। फिर वो लोग इवान को दफनाकर उसके सर को बाहर ही रखते हैं। फिर वो दोनों लड़कियां इवान को अपना सच बताती हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारा प्लान तुम्हें कभी मारने का नहीं था, हम दोनों मज़े के लिए सिर्फ तुम्हारे साथ गेम खेल रहे थे, और ना ही हम दोनों अंडर एज हैं। इन दोनों लड़कियों का शौक होता है कि वो मैरिड आदमी को सेड्यूस करके उसकी फैमिली को बर्बाद कर दें, और उन्हें ऐसा करने में बहुत मज़ा आता है। फिर जेनेसिस इवान को वो वीडियो दिखाती है जिसमें बेल इवान की बेटी की यूनिफॉर्म पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। फिर वो इस वीडियो को इवान के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर देती है और इसका कैप्शन वो सेलिब्रेटिंग फादर्स डे लिखती है, जिससे सब लोगों को लगे कि वो अपनी ही बेटी के साथ इंटीमेट हो रहा था। इसके बाद दोनों लड़कियां उसके घर से निकल जाती हैं। उन दोनों के घर से जाने के बाद इवान बड़ी मुश्किल से अपने हाथ मिट्टी से बाहर निकालता है और वो उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से उस वीडियो को लाइक कर देता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।